शिवपाल यादव ने इस बढ़त को नेताजी के आदर्शों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत नेताजी के आदर्शों की जीत है, जो विकास समाजवादियों ने किया है उसकी जीत है। नेताजी के नाम से वोट पड़े हैं और अब भी नेताजी का जलवा कायम है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव के प्रचार के दौरान योगी सरकार के जो भी मंत्री यहाँ आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे। उस पर मुकदमा कर दो, तब भी जनता नेताजी के आदर्शों और विकास पर जनता ने जीत दिला दी। आगे भी सपा के साथ जुड़े रहने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा, हम दोनों इसी तरह मिलकर आगे भी काम करेंगे, निश्चित ही सपा आगे के चुनाव में भी सफलता प्राप्त करेगी। अब पूरा परिवार नेताजी इसी तरह से आदर्शों पर ये जीत रही है। नेताजी ने और समाजवादी ने जो विकास किया है उसकी जीत है। और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट किया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार के जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे, तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाने। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई।